सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ट्रक वाली बत्ती फ्रॉड यानी सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के ओ केड़े नवे आदाबा विच पा के केड़े नवे आदाबा विच पा के ते देखो साई किथे रह गए वाह 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 अरे ला के ओ केड़े नवे आदाबा विच पा के ते देखो साई किथे रह गए सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के केड़े नवे आदाबा विच पा के ते देखो साई किथे रह गए कपड़े लवा के पेंटां दे कच्छे बना के देखो साई किथे रह गया ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के ओ केड़े नवे आदाबा विच पा के देखो साई किथे रह गया सानू ट्रक वाली बत्ती पिछे ला के परी जा तू जे बापा में तुन तुन के गलत बात पाजी भरिया ने की हो गया वो बुजुर्ग बैठे उनसे पूछ रहे भाई जान जेबे नहीं भरी बैंक भरे बैंक भरे ने थक गए नारे तेरे सुन सुन के परी जा तू बैंक पावे तुन तुन के वेलकम बैक पदिन हजरात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए प्राइम मिनिस्टर मोदी और अर्नब गोस्वामी ने व्हाट्स गुड ये हाल है एक मिनट ठहर जाओ इधर भी यही मतलब है व्हाट्स गुड बात करने दिया करें तमीज कब सीखेंगे चाहे जैसा भी आपका बुजुर्ग है जैसा भी इससे क्या मुराद एक मिनट ठहर जाए गल मेरे हक सी है मेरे खिलाफ चले मैं इसको थोड़ा सा रिलाइज करता हूँ वो जैसे भी हैं एक तो सीनियर है और आपके मुकाबले में काफी माकूल है अच्छा जैसे भी है उसे एतराज हो रहा है प्रधानमंत्री जी नो वो हमको लड़ा रहे इंडियंस को आपस में लड़ा ना चाह ना पानी आउंदे सन लड़ा छड़े हैं पाता है ताड़े मुल्क नु वक्त वेला चुप बैठे हैं सी ओहो हमें क्या वक्त डाला तानू होश ही नहीं होया कि ओ हमें आपने वक्त नहीं डाला हमने अपने आप को वक्त डाला हुआ है कोई बात नहीं एंजॉय तो हम लोगों ने किया है
आफताब जी इंडियन चैनल्स पे सिर्फ आप लोग ही चले हो, इवन रिपब्लिक पे इमरान खान यहाँ से लोगों को निकाल रहा है, एंड वी आर लाफिंग, वी आर लिटरली लाफिंग। वैसे बड़े अफसोस की बात है, बड़े शर्म की बात है कि इंडिया में इस वक्त मौजूद सुखन हम है। और बड़ी दिलचस्प बात थी, चंद दिन पहले पता नहीं कौन एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहा था, एक आम हिंदुस्तानी को अपने आर्मी चीफ का नाम याद हो ना हो, उन्हें कमर जावेद बाजवा बल्कि उनके तमाम रुफकाए कार अजबर हो चुके हैं। वाह, इसको हम अपनी जबान में पता क्या कहते हैं, क्या अपने कौमी शायर की जबान में क्या कहते हो, किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू। इन्हें कोई लथी चढ़ी दी नहीं, जो भी शेर जरूर सुनाऊंगा, किस्सा आदम को जमीन आसमान, जमीन नहीं किया समथिंग एल्स, किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू। अरे दोनों चो किन्ने जवाब देना था, किसी ने भी जवाब नहीं देना है, समझ नहीं आई। नहीं आपको समझ है, वो जरा इस मामले में बेहतर है, एजुकेटेड आदमी है, चाहे जैसा भी है। मेरी बात हो रही है, मेरी ऑक्सफोर्ड। अच्छा कहते तो आप भी हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हुआ, क्यों मैं मास्टर नहीं कर सकता? आप जिस तरह के शुतर बेमुहार हैं, आप हेडमास्टर कर सकते हैं। अच्छा उस खातून जिसने ब्लास्फेमी की, जिसने गुस्ताखी की, तो करता यार उन्हें पार्टी जो आपने पार्टी से तो कटता, आपकी सारी पार्टी उसकी मद्दा है, उसके नगमे गाती फिर रही है, और चंद दिन तक देख लीजिएगा ये उसको रिवॉर्ड करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी कोई चीज होती है। क्या 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 कहा है? I didn't mean that. तुमने कभी मिस्टर आफताब इकबाल, I'm sorry, I beg your pardon, please. I did not say anything like that. इस मामले पे ना याद रखना, जीरो टॉलरेंस है, जीरो। पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है, मिस्टर जिंदाल को अपनी ट्वीट करके डिलीट करनी पड़ी, फिर आप कहते हैं कतर एयरवेज को बायकॉट करें और फिर हम अपनी पावर दिखाते हैं। अच्छा सब कुछ चल रहा था, कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों की दिल शिकनी हुई, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आठ मुस्लिम ममालिक ने जब बायकॉट किया जी, तो लेने के देने पड़ गए। कोई भी लेने के देने नहीं पड़े, मैं भी सीधा हो गया उन्होंने नाल। कौन ले? नो नो नो, वो सही कह रहे, हमें लेने के देने पड़ गए थे जी, आपकी तमाम इंडियन प्रोडक्ट्स बायकॉट है। आप पागल तो नहीं हो गए? यू आप तू मेरे नाल या इधर नाल है? टीवी पे बैठे अबे कल पता की है सेंस रखी सी मैं डॉक्टर साहब। केड़ी सेंस रखी? सेंस पॉलिटिकल सेंस। अच्छा तजुर्बे कीते जो मैं 10वीं दा पेपर देते ने। ओ उसमें तजुर्बे नहीं होते। ए तुसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट च की कर रहे हो, रोज तजुर्बे नहीं कर रहे? चलो पहला प्रैक्टिकल होया जनाब। अच्छा इन्हों उन्होंने कमरे च वारता, उथे डड्डू इंज लंबा पिया सी, ये पॉलिटिकल साइंस में था। डड्डू ने भाजी मैं कट लाया। आप डड्डू को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रहे थे या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहे थे? एक ही चीज़ है देखा ना, उसे पता ही नहीं। एंड ही क्लेम्स के मैंने मास्टर्स कर रखा है पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस ही दस रहे हैं, डड्डू का ऑपरेशन किया। दिस इज अबाउट राजनीति एंड देयर आर नो डड्डूज इन राजनीति पीएमजी, व्हाट इज कम ऑन। जैसे मोदी साहब अपने को बहादुर बहुत समझते हैं सर, सर बाल नरेंद्र कॉमिक्स के नाम से कॉमिक्स हैं कि उसमें दिखाया कि मैं मगरमच्छ के मुंह से कैसे बचा हूं, मैं किस तरह नहर क्रॉस करके जाता था पढ़ने के लिए। शुक्र करें ये नहीं कह दिया कि मगरमच्छ मेरे मुंह से कैसे बचा है। बाजी एडा वड्डा मगरमच्छ सी कि ओदी एडी एडी अख सी, ओदी एडी अख, मैं उन्हें इंज भी किया, तुहानू याद भी कराया, लेकिन उते कोई असर, उन्हें इंज मुंह खोलिया, मैं फिर 56 इंच दी छाती कढ़ी है। एक दिन फिर मिलिया मैं मगरमच्छ साइड तो इंज करके, मैं कहा अभी नहीं बेटा पीएम लगे। घोड़ा बीमार हो सिर च पानी पाई दा पॉलिटिकल साइंस दे यार, ये किस किस्म की पॉलिटिकल साइंस है ये, वहां प्रैक्टिकल नो, मेरे ख्याल से काफी।